अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तफा तिमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के एक फोल्ड वाले मोबाइल के बारे में, वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि वीवो का ये फोल्ड वाला मोबाइल आपको किन किन चीजों के साथ मिल रहा है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें जी, इस मोबाइल के बात करेंगे। इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको जो चीजें मिल रही हैं वो आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी और साथ में 120 वाट का आपको अडाप्टर मिलेगा, लेकिन ये आपको 100 वाट का सपोर्ट कर रहा है ये मोबाइल। टाइप ए टू टाइप सी और 120 वाट का ये अडाप्टर और साथ में सिम इंजेक्टर टूल ये आपको इसके अंदर मिलेगा बॉक्स के अंदर। अब बात करेंगे इस मोबाइल के पोर्ट्स और बटन के बारे में, तो इसका आपको पोर्ट्स और बटन जो नीचे वाली साइड पे आपको दिए जाएंगे वो स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और आपको सिम ट्रे और आपको टाइप सी की पोर्ट दी जाएगी, जो कि 3.2 OTG वर्जन जेन 2 के साथ आपको मिलेगा। राइट साइड पे ये आपको पावर ऑफ बटन और साथ में वॉल्यूम रखकर वॉल्यूम अप और डाउन मिलेगा। ऊपर वाली साइड पे ये आपको दे रहे हैं जी IR ब्लास्टर, माइक्रोफोन और साथ में अगेन ये आपको वहां पे स्पीकर ग्रिल एक देंगे। इसके जो माइक्रोफोन है आपको एक कैमरे के अंदर और साथ में राइट साइड पे भी एक माइक्रोफोन, यानी कि ये 4 माइक्रोफोन के साथ आपको ये मिलेगा। लेफ्ट साइड पे बात की जाए तो वहां पे ये आपको अलर्ट स्लाइडर दे रहे हैं, जो कि अलर्ट के ऑप्शन के लिए यूज किया जाएगा। जो डिस्प्ले की बात करेंगे, पहले इसमें फोल्डेबल डिस्प्ले की बात करते हैं जी। इसके अंदर आपको 8.03 इंचिस का LTPO AMOLED का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि आपको 1 बिलियन कलर, फुल HD प्लस का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ ये आपको इसके अंदर मिलेगा। डॉल्बी विजन भी ये आपको फोल्डेबल डिस्प्ले भी दे रहे हैं और 4500 निट्स की ये आपको पीक ब्राइटनेस इसके अंदर मिलेगी। 8.03 इंचेस का ये आपको फोल्डेबल डिस्प्ले मिल रहा है, जिसके बेजल की अगर बात की जाए स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो ये आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रहे हैं और ये आपको 2200x2480 पिक्सल की ये डिस्प्ले की रेजोल्यूशन दे रहे हैं और PPI डेंसिटी ये आपको 413 की PPI डेंसिटी दे रहे हैं। अब बात करेंगे इसके जो कवर डिस्प्ले की, तो ये आपको इसके अंदर 6.53 इंचेस का AMOLED का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि आपको अगेन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस का सपोर्ट और डॉल्बी विजन और इसके अंदर आपको आर्मोर ग्लास की प्रोटेक्शन साथ में मिलेगी और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी इसके अंदर आपको मिलेगी। जो इसमें कवर डिस्प्ले है, इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन वो आपको 1172x2748 पिक्सल की ये आपको इसके अंदर दे रहे हैं जी। अब अगर इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, तो ये आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिल रहा है, जो कि फन टच OS 14 के साथ आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगाया गया है। और इसका अगर चिपसेट की बात की जाए तो ये आपको स्नैप ड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आपको मिलेगा। इसका अंतुतु स्कोर 20 मिलियन प्लस का इसका अंतुतु स्कोर आ रहा है। थ्योरेटिकल टेस्ट की बात की जाए तो 81% आपको इसका थ्योरेटिकल टेस्ट आया है, यानी कि ये इतना गर्म वगैरह भी नहीं होगा। अच्छा मोबाइल है, अच्छा परफॉर्मेंस के लिहाज से ये आपको मिलेगा। GPU इसके अंदर Adreno 750 आपको इसके अंदर दिया जाएगा। अगर इसके स्टोरेज वगैरह की बात की जाए तो ये आपको 16GB 512GB के वेरिएंट के साथ आपको मिलेगा। इसके अंदर जो इसकी रैम वो LPDDR5X के साथ और UFS आपको 4.0 की रैम के साथ ये आपको दे रहे हैं। अब अगर इस मोबाइल के कैमरे वगैरह के बारे में बात की जाए तो ये बैक पे पहले आपको पता ही है नॉर्मल इतना अच्छा नहीं देते कैमरे वगैरह, तो कैमरे वगैरह की अगर बात की जाए तो ये इसका जो मेन कैमरा ये आपको 50 मेगापिक्सल का दे रहे हैं। 1.7F अपर्चर के साथ वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा। PDF लेजर AF OS इसके अंदर आपको मिलेगा। दूसरा कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस लगाया गया है, जो कि 2.6F अपर्चर के साथ मिलेगा। इसके अंदर OS 3X ऑप्टिकल जूम भी आपको दिया जाएगा। जो तीसरा कैमरा ये आपको 50 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, जो कि F2.0 अपर्चर के साथ जो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा और PDF के साथ ये आपको मिलेगा। जीज ऑप्टिक GST लेंस कोटिंग के साथ ये आपको मिलेगा, जो कि ड्यूल LED फ्लैश पैनोरामा के फीचर्स भी इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। अब अगर इस मोबाइल के वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए तो ये आपको बैक के कैमरे में 8K 30 FPS और 4K 30 60 FPS तक आपको इसके अंदर
मिलेगी। सिनेमैटिक मोड जो है वो आपको 4K तक इसके अंदर मिलेगा, गायरो ईएस इसके साथ आपको मिलेगा। फ्रंट की बात की जाए तो ये आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा दे रहे हैं, जो कि 2.4F अपर्चर के साथ मिलेगा। और कवर कैमरे की बात की जाए तो वो आपको 32 मेगापिक्सल F2.4 वाइड एंगल के साथ ये आपको मिलेगा। और इसकी वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए तो ये आपको 1080 at 30 FPS तक इसकी वीडियो की क्वालिटी ये आपको कैमरे वगैरह के अंदर वीडियो की दे रही हैं। ठीक हो गया जी, ये सब चीज़ें थी इस मोबाइल के कैमरे वगैरह के अंदर। बाकी अगर इसके कनेक्टिविटी की बात की जाए तो स्पीकर, इसके स्टीरियो स्पीकर आपको मिलेंगे, 3.5 mm का जैक आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वाईफाई 7 बैंड 17 आपको 5G के बैंड मिलेंगे, NFC सपोर्ट कर रहा है, IR ब्लास्टर दे रहा है, USB की जैसे कि मैंने पहले बताया टाइप सी की 3.2 की OTG का वर्जन आपको इसमें दिया है। सेंसर आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर सारे सेंसर इसके अंदर आपको दिए जा रहे हैं। अंडर डिस्प्ले आपको इस मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। मेमोरी बैटरी वगैरह की बात की जाए तो इसके अंदर 5700 mAh की बैटरी, बिग बैटरी दी जाएगी। और इसका जो स्पोर्टेज है बैटरी के तो ये आपको 100 वाट का दे रहे हैं, लेकिन इसके मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको 120 वाट का आपको इसका अडाप्टर मिलेगा। बैटरी वगैरह की अगर बात की जाए तो ये भी इसके अंदर आपको अच्छी दे रहे हैं। ठीक है जी, बाकी इस मोबाइल के बारे में आपका क्या राय है तो कमेंट वगैरह में मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मजीद आपको इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतने ही, खुदा हाफिज़।